कर्नाटक में 6 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही मंगलवार यानी कि कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक में पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी, किन नेताओं को कौन सा विभाग दिया जाए, तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। साथ ही कांग्रेस में उठे बगावती सुरों को शांत करने की कोशिश की जाएगी। कर्नाटक में कई दिनों की माथापच्ची के बाद पिछले दिनों मंत्रालय के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया था, जिसके तहत कांग्रेस को 22 विभाग दिए गए हैं, जबकि जेडीएस को 11 विभाग मिले हैं। बंटवारे के बाद अब 6 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसे लेकर कल कांग्रेस की अहम बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मंत्रियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कई दिनों से देश में नहीं थे, लेकिन अब वो स्वदेश लौट आए हैं। ऐसे में आते ही उन्होंने कर्नाटक में मंत्रिमंडल से पहले बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीएस ने अपने मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है। सीएम कुमार स्वामी ने बताया है कि उनकी पार्टी की सूची तैयार है और सूची को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस काम को जल्द ही निपटा लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्रालय को लेकर कांग्रेस और जेडीएस में खींचतान की खबरें आई थी। इसके बाद कांग्रेस को गृह, इंडस्ट्रीज, राजस्व और बेंगलुरु डेवलपमेंट समेत 22 विभाग दिए गए हैं और वित्त, ऊर्जा, एक्साइज और पीडब्ल्यूडी जैसे 11 मलाईदार विभाग जेडीएस के खाते में आए हैं। वैसे कहा जा रहा था कि जेडीएस को मलाईदार मंत्रालय दिए जाने से कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार काफी नाराज हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल इन विरोधी सुरों को शांत कराने की कोशिश कर सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।